दोस्तों मैं पिछले 1 महीने 14 दिन से Redmi Note 5 Pro लेने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं Xiaomi इतना स्टॉक लाते ही नहीं है कि आप फोन को ले सकें। तो मैंने काफी सेल्स ट्राई की लेकिन जैसा कि आप जानते हो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फोन पेमेंट ऑप्शन में जाते ही। तो यार मैंने भी जो ब्लैक मार्केट है वहीं से ये फोन लिया, लेकिन जिससे मैंने ये फोन लिया है वो एकदम नॉर्मल इंसान है। उसने गलती से एक फोन की जगह 2 ऑर्डर हो गए थे उसके, तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने वो फोन ले लिया है। और आपने अभी जो ट्रैवल की वीडियो देखी थी वो मैंने उसी ट्रिप की रिकॉर्ड की थी जब मैं उसके घर पर ये Redmi Note 5 Pro लेने जा रहा था। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस भी देखनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फोन ऑर्डर किया गया था MI.com पर, जैसा कि आप इसका बॉक्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स ओपन कर लिया, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है Redmi Note 5 Pro। दोस्तों ये गोल्ड वेरियंट है 4GB 64GB रैम का, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है 18x9 ASUS Snapdragon 636 और बाकी डिटेल्स आप MI.com पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और मेरी किस्मत अच्छी है कि जो मुझे बॉक्स मिला है ये एकदम सील पैक्ड है, इसको अभी तक किसी ने ओपन नहीं किया। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको एक केस मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे ये फ्री केस मिलता है Xiaomi के, अब जितने भी फोन आने वाले हैं 2000 उनमें भी आने वाला है, लेकिन हम तो यहाँ पर 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे चुके हैं तो हमारे लिए तो ये फ्री नहीं हुआ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो फोन है देख सकते हैं कुछ इस तरह का फोन है, इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यूज गाइड है, आप इनको तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। और यहाँ पर जो चार्जर है वही नॉर्मल सा 5V 2A चार्जर, लेकिन ये 400 वोल्ट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो ये डैमेज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रो USB वो पुरानी वाली माइक्रो USB 2.0 मिलती है, जैसा आप देख सकते हैं। फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है लेकिन जब आप इसको होल्ड करेंगे तो ये काफी बिग लगता है फोन, यानी कि वैसे आपको स्क्रीन पर छोटा लग रहा हो लेकिन जब आप उसको हाथ में लेकर पकड़ेंगे तो काफ़ी बड़ा लगता है। सामने की तरफ आपको 20 MP का f/2.0 का कैमरा मिलता है और साथ में फ्लैश भी है, जैसे आप कैमरा देख सकते हैं। एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। डिस्प्ले यार काफ़ी अच्छी है, बाद में इसकी बात करेंगे, आज तो सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग ही करनी है। फोन के नीचे आपको एक स्पीकर वेंट मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है और हेडफोन जैक मिलता है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और यहाँ पर पावर बटन दिया गया। ऊपर की तरफ आपको वही टिपिकल आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइज कैंसिलिंग माइक दिया है। पीछे की तरफ आपको देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी, और यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिलता है, यानी कि एक 12 MP एक 5 MP का डुअल टोन LED फ्लैश भी है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका सारा रिव्यूज दूंगा, इसमें क्या खराबियाँ हैं और क्या बुराई हैं।